वैदिक साधना जूनागढ़ आध्यात्मिक केंद्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। धनु राशि वालों, शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, जो भी व्यक्ति अपने जीवन में धन, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और सौभाग्य प्राप्ति के लिए सकाम प्रयत्न करते हैं, तो महालक्ष्मी सदैव उन पर प्रसन्न रहती है, उसमें कोई दो राय नहीं है, इसलिए साधना आवश्यक है। आज का यह कार्यक्रम धनु राशि वालों के लिए बहुत ही खास रहने वाला है। धनु राशि वालों, नेव दिन आपको क्या कुछ देकर जाएंगे, अप्रैल, मई, जून 2023 आपके लिए कैसा रहेगा, इतना ही नहीं इन तीन महीनों में नवग्रह कैसे आपके लिए फलदायी बनेंगे, क्या अप्रैल महीने जैसे ही लाभ मई जून में मिलेगा, ये विस्तार से बताने वाला हूँ, तो वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा। आइए विस्तार से बताता हूँ धनु राशिफल अप्रैल मई जून 2023। राशिफल 2023 के अनुसार यह तीन महीने आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से आपके लिए महत्वपूर्ण फलों को लेकर आएंगे। 21 अप्रैल तक गुरु आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। चतुर्थ भाव यानी सुख का माना जाता है, भूमि, भवन इत्यादि से मिलने वाले लाभ का माना जाता है, न्याय का माना जाता है। तो सबसे पहले अप्रैल में आपके लंबित कार्य पूर्ण होने लगेंगे। जैसे आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था, वहां पर आपको लाभ की संभावनाएं बनेगी। भौतिक सुख सुविधाओं के लिए गाड़ी वाहन खरीद सकते हैं, या फिर धन से संबंधित आपका कार्य है तो उसमें अप्रत्याशित रूप से लाभ होगा। अचल संपत्ति से जुड़े मामले भी आपके पक्ष में रहेंगे, यानी गुरु 21 अप्रैल तक आपको हर प्रकार से सुख देंगे। इस दौरान आप अपने करियर और पेशेवर लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे और आप पाएंगे कि आपको अप्रत्याशित अवसर या प्रस्ताव मिल रहे हैं। 15 अप्रैल से सूर्य भी आपके पंचम भाव में पहुंच जाएंगे और वह 15 मई तक वही विराजमान होंगे। जैसे ही वह वहां पहुंचेंगे, वैसे ही बेरोजगारों को अच्छे से सर्च के बाद एक फुल टाइम जॉब मिल जाएगी। अधिकारी आपके कार्य से प्रसन्न होकर नई जिम्मेदारी देंगे। आप उन्हें प्रमोशन समझे या सैलरी में वृद्धि कुछ भी कह सकते हैं, लाभ होगा। घर में खुशहाली आएगी, परिवार के किसी सदस्य का प्रमोशन होगा, उन्हें भी जॉब मिल सकती है। दोस्तों, अप्रैल के इनमें एक सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है, वह है कि आप इस समय एक प्राकृतिक जोखिम लेने वाले हैं और यह आपके पेशेवर जीवन में आपकी अच्छी तरह से सेवा भी कर सकता है, लेकिन कूदने से पहले जोखिमों का सावधानी पूर्वक आकलन करना सुनिश्चित करना होगा। धनु राशि वालों, आपको याद होगा मैंने 15 मार्च को भूकंप और राजनीतिक भविष्यवाणी की थी और वह 100% सही भी हुई है। आप चाहे तो वह वीडियो ऊपर क्लिक करके देख भी सकते हैं। दोस्तों, प्रेम, धन और भौतिक सुखों के कारक शुक्र ग्रह भी 2 मई से आपकी कुंडली में सप्तम भाव में पहुंच जाएंगे, जिसके कारण यंग एंड न्यू मैरिड कपल्स के बीच गलतफहमी उत्पन्न हुई थी वह दूर होगी। लव पार्टनर के साथ हल्का फुल्का वक्त बिताने का अवसर प्राप्त होगा, जिससे आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। यहाँ तक जो प्रेम से वंचित है या फिर किसी साथी की तलाश में है, उन्हें भी प्रेम प्रकरण के योग बन रहे हैं। दोस्तों, मई महीने में 2 चीज़ें अवश्य होगी। एक तो पहला, अप्रैल में जिस जगह आपने नौकरी प्राप्त की थी, जिस जगह पर आप कार्य का आपने प्रारंभ किया था, अब वहां पर सफलता का दौर शुरू हो जाएगा। कंप्यूटर, इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईटी प्रोफेशन से जुड़े लोगों को ढेर सारा लाभ होगा, नए अनुबंध करने का मौका मिलेगा। लेकिन इस समय आपके लिए अपने संचार कौशल पर काम करना भी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि यह आपके करियर को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। यदि आप स्वतंत्र रूप से व्यापार कर रहे हैं, बड़े लीडर हैं, राजनीति से संबंध रखते हैं, अच्छे स्थानों पर स्थित है, तो आपको अपने विचारों और लक्ष्यों को दूसरों को नहीं बताना है। आप पाएंगे मई में अब वह सब कुछ पाएंगे जिनके आप सपने देखते थे। आपको सफलता प्राप्त करने में मदद मिलेगी। जैसे ही विदेश भाव के स्वामी मंगल आपके सप्तम भाव में मई में आएंगे, तो आपको आयात निर्यात ई-कॉमर्स संबंधित कार्यों से लाभ प्रदान करेंगे। आपका शरीर बीमारियों से मुक्त होने लगेगा। उच्च शिक्षा और ज्ञान के आधार पर अब आप जल्दी से प्रोजेक्ट को कंप्लीट भी कर लेंगे, लाभ प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ आपको उच्च शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलेगा।
यदि आप लंबे समय से बाहर जाने की प्लानिंग बना रहे थे तो वहां पर भी सफलता मिलेगी। दोस्तों, जैसे ही शुक्र आपका शत्रु भाव को छोड़ेंगे वैसे ही आपके खिलाफ चल रही जांच पूर्ण होगी। शत्रु अब आपको परास्त नहीं कर पाएंगे, तो किसी व्यापारिक प्रतिद्वंदी द्वारा की गई नकारात्मक प्रचार से भी आपके ब्रांड या प्रोडक्ट पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, कोई हानि नहीं होगी। वैसे तो अप्रैल से लेकर जून का समय आपके लिए प्रसिद्धि, प्रचार और ढेर सारे लाभ को प्राप्त करने का होगा, लेकिन इसके साथ साथ आप कई अलग अलग दिशाओं में खिंचाव महसूस भी कर सकते हैं, जैसे कि आप शेयर बाजार, सट्टा, जुए आदि की ओर भी जा सकते हैं। आप जल्द से धन कमाने के लिए लोटरी, गोल्ड या फिर जमीन की ओर भी खींच सकते हैं। हालांकि यह आपके लिए दोधारी तलवार हो सकती है, इसलिए समझकर आगे बढ़े। कुल मिलाकर अप्रैल, मई और जून महीना आपके लिए वृद्धि और अन्वेषण का समय होगा। निश्चित ही आप अपने पैसे व लक्ष्यों, व्यक्तिगत संबंध और आध्यात्मिक विकास पर ध्यान केंद्रित करके आप अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता के लिए खुद को स्थापित करेंगे और लाभ भी प्राप्त करेंगे। आप देख रहे थे धनु राशि फल अप्रैल, मई, जून 2023। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।